हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में कुछ स्पार्क सीन होने वाला है कि मैं आज आपको दिखाऊंगा हमारे जो पास बांडी नदी है, तो उसका आप इतिहास भी पढ़ाएंगे। तो अभी मैं आपको बांडी नदी दिखाने ले जा रहा हूँ कि किस प्रकार बांडी नदी दिखाई देती है और कितनी क्या लंबी है, पूरी दिखाने वाला हूँ आपको। तो ब्लॉग को शुरू से लेकर अंत तक देखना, और ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो ब्लॉग को लाइक कर देना। गाइस, मैं बता देता हूँ कि ये अगर बांडी नदी है जो अभी फ़िलहाल अभी इसमें पानी नहीं बहता है, ये केवल सूखी रहती है। अभी इसके अंदर केवल पेड़ पौधे और जो ये पानी के होते हैं ना, वो पूरे क्या पुणे क्या बोलते हो आप पता नहीं, मैं जो पानी के उग रखे हैं जिनसे अपन वो झाड़ू बनाते हैं ना, वो ऐसे कुछ कचरा घास फूस ऐसे उगा रखा है, अभी सूखी है फिलहाल। तो फिर भी इस बांडी नदी का पहले खूब बहती थी, ये लोग कहते थे, मैं भी देखा नहीं हूँ इसे कभी बहती हुई, लेकिन लोग कहते हैं कि ये बहुत बहती थी पहले, तभी इसका नाम बांडी नदी पड़ा था। तो हमारे यहाँ बांडी नदी के नाम से एक बालाजी का मंदिर भी है, वो भी दिखाऊंगा आपको कभी। तो मैं फाइनली गाइस हमारी जो बांडी नदी है उसमें आ चुका हूँ, और आप देख सकते हो ये पूरी बांडी नदी है, इधर बांडी नदी है और पूरी इधर बांडी नदी है। तो इसमें अभी फ़िलहाल पानी नहीं है, मैं अंदर चल के दिखा देता हूँ आपको थोड़ी बहुत। बस ये कूचे ऊँचे और ये क्या बोलते हैं, ये घास फूस ऐसा उग रखा है। तो चलते हैं अभी नदी में, दिखा देता हूँ मैं आपको, कुछ नहीं है इसमें फ़िलहाल अभी, पूरी ये जो बोलते हैं इसमें घास आस उग रखा है। मैं दिखा देता हूँ आपको, देख लो पूरी जो ये पूरी दिखी है ना आपको, ये पूरी बांडी नदी है, और बस ये इसमें जो दिख रहा है आपको घास फूस उग रखा है। तो इसमें ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है, लेकिन मैंने आपको सोचा कि चलो दिखा देते हैं हमारी बांडी नदी भी। तो गाइस, मैं आपको सब दिखा चुका हूँ कि ये पूरी जितनी भी, अगर इसे मैं पेड़ पौधों पे चढ़ के दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी इनके कांटे हैं जो अभी मेरे चुभ जाए, तो मैं ऊपर तो चढ़ के दिखा नहीं सकता, लेकिन आपको यहाँ से नीचे से दिखा सकता हूँ पूरी ये बांडी नदी है। जहाँ तक आपको दिखती है ना, वहाँ तक बहुत लंबी बांडी नदी है। इसके अंदर से मतलब जो सीवर लाइन का पानी होता है वो जाता है बीच नदी में से। तो मैं इस ब्लॉग को यही एंड करता हूँ, आई होप आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। तो वीडियो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ब्लॉग को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।